बेगम, ये दुआ किधर चली गई है? पता नहीं जैनब के पापा, अभी तो इधर ही थी। जाओ मोहम्मद, देखो जरा। अच्छा बाबा, मैं देता हूँ। मामा जी, पापा जी, आपके लिए गिफ्ट आया है। माशाल्लाह बेगम, गिफ्ट आ गया। दुआ कहाँ से उठा लाए हो ये डब्बा? डब्बा नहीं है मामा जी, इसमें गिफ्ट है। फिर पापा जी सोते देते हैं। नहीं नहीं मोहम्मद, खोलना नहीं है। छोड़े बेगम, हमारे किसी दोस्त ने भेजा होगा। चलें खोल के देखते हैं। क्या पता जैनब के पापा इसमें बांबो। कमाल करते हो बेगम, कोई दोस्त भला तोहफे में बांबो भी भेजता है। भेजने वाला कोई दुश्मन भी तो हो सकता है ना जैनब के पापा। मामा जी, हम कोई दहशतगर्द है जो हमें कोई बम से उड़ाएगा? अरे माशाल्लाह, इसमें तो दो टैब हैं। पापा जी, एक मुझे दे दो। और एक मुझे दे दो पापा जी। ये लो मेरा बेटा, और अंकल जी का शुक्रिया अदा करो। अंकल जी शुक्रिया। सारे बाग में सिर्फ एक ही माल्टा था, और वो भी आके बेगम ने तोड़ लिया। प्लेट में रख के मुझसे कहने लगे, ये ले जैनब के पापा, इंसाफ के साथ बच्चों में तकसीम कर दें। मैंने जल्दी से माल्टे का छिलका उतारा, 3 पीस खुद रखे, 3 जैनब, 3 मोहम्मद और 2 दुआ को दे दिए। दुआ कहने लगी, मामा जी देख लें, पापा इंसाफ नहीं कर रहे। मुझे फिर एक तरकीब सूझी, मैं जल्दी से घर गया, किचन से जूस निकालने वाली मशीन लेके आया, माल्टे का जूस निकाल के 2-2 चम्मच बच्चों को पिला दिए। अब आप लोग बताएं, हमारे पापा ने इंसाफ किया? जैनब के पापा नाश्ता कर लें, जैनब के पापा पानी पी लें, जैनब के पापा चाय आ गई है, जैनब के पापा फल खा लें, जैनब के पापा, जैनब के पापा, जैनब के, जैनब के, जैनब के, जैनब के, जैनब के पापा नहीं कह सकते। Ain't gonna listen to her daddy, she's a redhead body. But every time he turned around and said, Nee dua. She looked him in the eye with a sigh, she replied back. Kya nee dua, nee dua. Jab aaj tera wo social media. दुआ बेटा, बड़ी प्यास लगी है, जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। नौकर नहीं हूँ, या मैं करोड़ों की मालकिन हूँ, करोड़ों की मालकिन हूँ, नौकर नहीं हूँ तेरे। पापा, वो जो जैनब के पापा है ना, वो अपनी बेगम से, यानी कि जैनब की मामा से कितने प्यार से बात करते हैं। आप ही मेरी मामा से इतने प्यार से बात करें ना। ये ले फोन मिलाए जरा मामा को। ट्राई करता हूँ। हेलो सनी की मामा, हम बाजार आए हुए हैं, क्या लेकर आए हैं आपके लिए? कच्ची लस्सी ले आए या पक्की लस्सी ले आए? सनी की मामा, रोगनी नान लेकर आए या सादी पतीरी रोटियां लेकर आए? सनी की मामा बोले ना। जैनब के पापा, मुझे आटा गूंद दे। जी बेगम, मैं अभी आटा गूंद देता हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैनब के पापा, अगर आप फ्री हैं तो मुझे सब्जी काट दें। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 गाजरें अभी काट देता हूँ मैं। जैनब के पापा, सफाई कर दें। जी ठीक है बेगम, मैं अभी सफाई कर दे। जैनब के पापा, मुझे कपड़े धो दें। बेगम, आप सुबह से सारे काम मुझसे करवाए जा रही हैं, आपके अपने हाथ नहीं है। पापा जी, अब मैंने अपना लादा चैनल बनाया। लादा चैनल? मामा जी, मैं और मोहम्मद भाई अब अपना लादा चैनल बनाने की सोच रहे थे। हाँ जी पापा जी। पर बेटा, मैं तो अभी नहीं समझता कि इस चीज की जरूरत है। अभी तो बहुत से काम करने हैं, नया घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, आप लोगों की शादियां भी करनी है। पापा, मैं आपकी शादी कर लूँ था। वैसे मामा जी, हमारी भी कुछ मजबूरियां, बहुत सी जरूरतें होती हैं। हाँ तो बेटा, आपके कपड़े, जूतियां, खाना पीना, कापियां, किताबें, ये सारा खर्चा आपके पापा कर तो रहे हैं। वो तो ठीक है मामा जी, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत से खर्चे होते हैं ना। हाँ जी पापा जी। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी? रहने दो बेगम, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, में खुशी होगी। ठीक है बेटा, आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। शुक्रिया पापा जी। लेकिन मैं जैनब के पापा, हमेशा आपके साथ रहूंगी। जैनब के पापा, बस भी करें, गुस्सा थूक दें, चलें घर चलें, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं बेगम, मैंने नहीं खाना, जाओ आप खा लो। क्या मतलब मैं खा लूं? आपको भूख नहीं है? भूख है, लेकिन मैंने नहीं खाना। आप मुझसे नाराज है, खाने से तो नहीं ना? चलें खाना खाएं चल के, अम्मी अबू ने भी खा लिया होगा। बेगम, आपको कितनी दफा कहा है कि पहले खाना अम्मी अबू को दिया करें? आपसे नहीं पकता तो मुझे बताएं, मैं पका लिया करूंगा सबके लिए। चलें ठीक है, आज से आप पका लिया करें। बेगम को बिला वजह तंग करने का नतीजा है ये।
रुक जाए जैनब के पापा, खुदा के लिए पेपर पे साइन करने से पहले एक बार फिर सोच लें। देखो बेगम, आप समझ नहीं रहे, मैं अब फेमस हो चुका हूँ, करोड़ों लोग मेरे चाहने वाले हैं। मैं अब मजीद इस बुरके, स्कार्फ और टोपी वाले माहौल में नहीं रह सकता। मुझे अब अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज कम होना शुरू हो जाएं। फिर तो जैनब के पापा आप अपनी दाढ़ी भी कटवा लें। बेगम, आपको पता नहीं है दाढ़ी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। तो पापा जी, बुरका स्कार्फ भी तो उसी नबी का हुक्म है और बीबी फातिमा की सुन्नत है। हां जी पापा जी, पीछे ही टेढ़ी है। मोहम्मद लबैक, जैनब लबैक, जैनब की मामा लबैक। क्या लबैक, आपसे उठा नहीं जाता? नहीं कारी साहब, वो ना मेरे घुटने में दर्द है। कारी साहब, आपने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। नहीं, तो आपका नाम तो सबसे पहले लिया है। नहीं लिया कारी साहब, मैं कुछ सुबह सुबह झूठ बोल रही हूँ। नहीं कारी साहब, दुआ सच बोल रही है। अच्छा चलें ठीक है, दुआ लबैक। कारी साहब, आज मुझे छुट्टी दे दें, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, आगे एग्जाम आ रहे हैं, पेपरों की तैयारी भी तो करनी है। कारी साहब मैं सीताराम। कारी साहब मेरा फीडर खत्म हो गया। कारी साहब अगर नहीं पढ़ना तो मैं भी छुट्टी कर लूं। हाँ हाँ चलो, मैं तुम सबको घर छोड़ के आता हूँ।